मौदा बस स्टैंड यह नागपुर भंडारा मार्ग पर आने वाला मुख्य बस स्टैंड है, लेकिन यहां बस स्टैंड अनेक समस्याग्रस्त है। लेकिन अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस समस्या को अनदेखी करने का आरोप नागरिकों ने लगाया है। यहाँ पीने की पानी की सुविधा तक नहीं है। शौचालय का सेफ्टी टैंक लीकेज होने के कारण आजू बाजू में दुर्गंध आती है। बारिश आने पर इस जगह को तालाब का स्वरूप प्राप्त होता है। इस बस स्टैंड के बीचों बीच गहरा खड्डा पड़ा है जो कई दिनों से जैसे थे है, लेकिन इसे दुरुस्त करने हेतु एसटी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिसके चलते यहां कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना साफ नजर आ रही है। इस गड्ढे को तुरंत दुरुस्त करने की मांग नागरिकों ने की है। मौदा बस स्टैंड वर मागील 10 वर्षापासून काम चालू आहे, परंतु मौदा बस स्टैंड च्या अजूनपर्यंत कोणत्याच प्रकारचे विकास झालेला नाही। या ठिकाणी बस स्टैंडच्या मधोमध मोठा खड्डा पडलेला आहे, ज्या खड्ड्याला अजूनपर्यंत बुजवलेलं नाही। इथे सार्वजनिक सुलभ शौचालयाची कोणतीच व्यवस्था नाही आहे। इथल्या त्या सेप्टिक टँकला तळे गेलेले आहेत, तिथलं पाणी इथे साचून राहतं। वर आता ही जी अवकाळी पाऊस येते किंवा पावसाळ्यात तर तुडुंब असं तलावासारखं ह्या मौदा बस स्टँडवर साचलेला असतो, परंतु एसटी महामंडळ प्रशासन या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत आहे। या ठिकाणी येणारे तालुक्यातलं मोठं ठिकाण असून औद्योगिक या ठिकाणी कारखाने आहेत, त्या संदर्भात इथे येणारे विद्यार्थी मित्र असो किंवा बाहेर गावून येणारे जे कामगार वर्ग आहेत, त्यांना फार मोठ्या प्रमाणात या बस स्टँडमध्ये असुविधेचा त्रास आहे। पिण्याची पाण्याची कुठेही व्यवस्था या बस स्टँडवर मौदा बस स्टँडवर आहे नाही। करिता गावातील नागरिकांची आणि आमच्याकडून मागणी आहे की लवकरात लवकर प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावं व बस स्टँडला व्यवस्थित करावं। NBCN न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट।